नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए। इसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ से डिज़ाइन शुरू किया है, तो यही चीज़ मैं यहाँ से बता रही हूँ। तो ये बॉर्डर के बाद ये पहली लाइन है, तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से दूसरे रंग के उनसे 10 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 2 फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 10 फंदा सीधा बुनेंगे। इन्हीं 12 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 10 फंदा सीधा बुनते हुए और 2 फंदा स्लिप करते हुए पहली लाइन कंप्लीट कर ली गई है, और सेकंड रो और रॉन्ग साइड से भी बुने हुए फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। और उन अपनी ओर करेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे बुने हुए फंदे सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन और सामने से तीसरी लाइन में बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे। उन दूसरी ओर किया जाएगा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी लाइन में बुने हुए फंदे उल्टा बुनते हुए और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर दी गई है, और अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। इसमें बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। सभी बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते चले जाएंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन अब बॉर्डर वाले रंग के ऊन से 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 2, 3, 4, फिर 2 फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 10 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगला 10 फंदा सीधा बुनेंगे, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 फंदा स्लिप करेंगे। इस तरह 10 फंदा सीधा बुनते हुए और 2 फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। जो 2 फंदा स्लिप करना है वो बुने हुए 10 फंदे में से पांचवा और छठा फंदा होगा। देखिए, सभी बुने हुए फंदों के सेंटर फंदे को ही स्लिप किया गया है। छठे लाइन और रॉन्ग साइड बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे,
और ऊन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सातवीं लाइन और सामने से बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए सातवीं लाइन कंप्लीट कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनते हुए और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते हुए सातवीं लाइन कंप्लीट हो गई है। और आठवीं लाइन में भी बुने हुए फंदे उल्टे बुने जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते चले जाएंगे। बुने हुए सारे फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते चले जाएंगे। इस तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। नाइन्थ रो और सामने से अब तीसरे रंग का ऊन लगाएंगे और इन्हीं चार लाइनों को, यानी 5, 6, 7 और 8, इन चार लाइनों को दोहराएंगे। चार फंदा सीधा बुना, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लिया, फिर 10 फंदा सीधा और स्लिप करते हुए स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हमें पांचवा, छठा, सातवां और आठवां लाइन फिर से दूसरे रंग वाले ऊन से दोहराना होगा। तो चार लाइन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो तेरहवीं लाइन और सामने से अब हम अपने बॉर्डर वाले ऊन से सभी फंदे सीधे बुनेंगे। बुने हुए और उतारे हुए सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। तेरहवीं लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं और अब चौदहवीं लाइन में भी सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। चौदहवीं लाइन में सभी फंदे सीधे बुने जा चुके हैं। अब ये डिज़ाइन पंद्रहवीं लाइन और सामने से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे। तेरहवीं में सभी फंदे सीधे, चौदहवीं में भी सभी फंदे सीधे, पंद्रहवीं में सभी फंदे उल्टे और सोलहवीं लाइन में भी सभी फंदे उल्टे। यानी पहले दूसरे लाइन में सभी फंदे सीधे और तीसरे चौथे लाइन में सभी फंदे उल्टे। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाया जा रहा है और फिर अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। और हर रंग में पहला दूसरा लाइन सीधा सीधा रह रहा है और तीसरा चौथा लाइन उल्टा उल्टा, और बीच में अगर हमें फंदे उठाने हैं तो उठाया जा रहा है। पंद्रहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं और सोलहवीं लाइन में भी सभी फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। सोलहवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे बुने जा चुके हैं और इसके साथ ही ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब सत्रहवीं लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे चार लाइन रंग इस्तेमाल किया है। तो पहला लाइन शुरू हो जाता है, यानी 10 फंदे पहले रंग के ऊन से 10 फंदे सीधे, और फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 10 फंदा सीधा बुनेंगे। 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और यहाँ पे डिज़ाइन समाप्त होता है।
मैंने इसमें चार रंग का उपयोग किया है, आप चाहें तो तीन रंग में ही बना सकते हैं, चाहे यहाँ पे आप मल्टी कलर लगा सकते हैं और भी ज़्यादा बचे हुए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से देखिए ये ऐसा लग रहा है और पीछे से ऐसा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।